.NET classes, your selection, our ambition. जी हाँ, अब आपका selection हमारा लक्ष्य. तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET classes को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET classes. .NET classes में फिर एक बार आपका स्वागत है. ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो फर्स्ट ईयर में है उन लोगों के सिलेबस के अंदर भी है, और इसके अलावा जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफार्मर जो है हर एग्जाम में इसके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर में है उन लोगों के एग्जाम में इसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी टफ लगता है कई बच्चों को, मगर मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ट्रांसफार्मर समझाने वाला हूँ. ठीक है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, प्लस इसका थ्योरेटिकल चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगा. पूरी चीज़ें क्लियर होने वाली है, बहुत छोटा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, आपका लाइफ में कभी आपको ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. ठीक है, तो देखते हैं. ट्रांसफार्मर जो है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल जो है दो भागों से मिलकर बनी होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो है दो भागों से मिलकर बनी होती है. इसके अंदर एक आती है स्थिर मशीन है, ठीक है, और एक आती है गतिज मशीन है. तो जो है स्थिर जो नॉन रोटेटिंग मशीन होती है उसके अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है, आपकी ट्रांसफार्मर आती है. ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है नॉन रोटेटिंग मशीन है, स्थिर मशीन है. इसके अलावा जो गतिज वाली होती है आपकी मोटर है. ठीक है, जनरेटर, मोटर जनरेटर जो है वो आपके गतिज वाली में आएंगे, स्थिर वाली में आपका ट्रांसफार्मर आएगा. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को देखते हैं. सबसे पहले देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको ट्रांसफार्मर का. ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये इस प्रकार से बना होता है ट्रांसफार्मर. ठीक है, यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट. ठीक है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो है ट्रांसफार्मर की कोर कहलाती है. ठीक है, ट्रांसफार्मर की कोर कहलाती है. ये जो दिख रहा है आपको ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, ये आपकी ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग. ठीक है, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं. ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग. दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है. तो एग्जाम में इस प्रकार से यदि डायग्राम बनाया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी, तो आपको समझना पड़ेगा प्राइमरी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है. अंतर बस इतना सा होता है कि यहाँ पर लगा रहता है आपका सोर्स. ठीक है, यहाँ पर रहती है आपकी सप्लाई और यहाँ पर क्या लगा रहेगा, आपका लोड लगा रहेगा. ठीक है, यदि लोड यहाँ पर लगा है तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड लगा रहेगा, लोड आपका कुछ भी हो सकता है, और प्राइमरी वाइंडिंग में हमेशा सप्लाई रहेगी. तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है, तो अब इसके जो सिद्धांत है उसके ऊपर चलते हैं. इसकी वर्किंग जो है वो कैसे होती, जब यहाँ पर आप सप्लाई देते हैं, आपने V1 वोल्टेज दिया यहाँ पर. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक करंट फ्लो होने लगे. कौन सा करंट फ्लो होगा, इस साइड वाला 1 देंगे, उस साइड वाला 2 देंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, I1 एक करंट फ्लो होने लगे, करंट फ्लो होने लगेगा. तो अब इसके अंदर क्या होगा कि एक इसका EMF उत्पन्न होगा. ठीक है, इसका खुद का एक विद्युत वाहक बल होगा, फैराडे के नियम अनुसार खुद का एक कुंडली जो है इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा. ठीक है, ये जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको कैसे बताएंगे, फाई से बताएंगे. तो यही जो फ्लक्स है ये इस पूरे कोर के द्वारा होते हुए फ्लो होते हुए ये कहाँ पहुंच जाएगा, सेकेंडरी साइड पहुंच जाएगा. सेकेंडरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा, तो इस लिंक करने के कारण क्या होगा यहाँ पर कि आपका जो करंट जो है जो फ्लक्स जो है इसके साथ लिंक करेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक EMF जनरेट होगा जिसका नाम क्या है, E2. ठीक है, यहाँ पर E1 से बताया था, यहाँ से E2 से बताया था. अब यहाँ पर EMF आ गया, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलने लगा, एक वोल्टेज मिलने लगा जिसको नाम दिया गया है V2. ठीक है, अब V2 यहाँ पर वोल्टेज आ गया. अब यदि यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट है, ठीक है, यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होने लगेगा जिसका नाम क्या है, I2. ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पर V1 वोल्टेज था, I1 करंट था, E1 जो EMF था, यहाँ पर सब चीज़ें क्या हो गई, 2 में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, तो यदि ये सिद्धांत को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, है ना. यहाँ पर जो है ये जो कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल जो है इसके टर्न है, ठीक है, ये चक्कर है, लपेटे हुए हैं यहाँ पर, तो इसको नाम दिया गया है N1. ठीक है,
टर्न को N1 से बताएंगे और यहाँ पर जो टर्न है उसको कैसे बताएंगे N2 से बताएंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। प्राइमरी का वोल्टेज V1, प्राइमरी का करंट I1, प्राइमरी का EMF E1, प्राइमरी के टर्न जो है N1 और इसी प्रकार सब चीज़ें यहाँ पर I2 इस प्रकार 2-2 में हो गई हैं, मतलब ये सेकेंडरी साइड की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्वेश्चन यहाँ से जो आता है इसकी EMF इक्वेशन मतलब विद्युत वाहक बल का समीकरण, ठीक है। विद्युत वाहक बल का समीकरण पूछा जाएगा तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी थी, एनर्जी दी थी, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी थी और यहाँ से जो 5m ये मैग्नेटिक फ्लक्स को 5m बताएंगे, यहाँ से ये सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक हुआ, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, बस ये जो फ्लक्स जो है ये लिंक होता है, इसके द्वारा यहाँ से जो सप्लाई दी थी वो यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो ये जो लिंक यहाँ से फ्लक्स जो है इसका प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लिंक हो रहा है उसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर, यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। ये सिद्धांत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं EMF इक्वेशन, ठीक है। 4.44 4.44 पाई क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, एफ क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, ठीक है, आवृत्ति हो गया, ठीक है। इसके बाद एन, ये हो गया आपका ईएमएफ इक्वेशन, इसको कैसे बताएंगे, ई से बताएंगे। तो आपकी ये जो है ईएमएफ इक्वेशन हो गई। यदि मैंने बोला प्राइमरी साइड की ईएमएफ इक्वेशन तो यहाँ पर ई1 कर देना, फ्लक्स तो सेम रहेगा, फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा N1। यदि मैंने बोला सेकेंडरी साइड की ये क्या हो जाएगी E2 और यहाँ पर N2, क्लियर है, यहाँ पर E2 और यहाँ पर N2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं, आप लोग लिखते जाइए, है ना। इसके बाद क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी होता है, आप लोगों ने देखा है पिछली बार भी बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था, इसके बाद भी जितने भी टॉपिक हो जाएंगे उसका एक कंबाइंड पूरा टेस्ट होगा, है ना, ऑनलाइन टेस्ट चलेगा। तो आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, तो वो देखते हैं अपन क्या होता है अनुपात जो है इनके बीच में क्या होता है, N2/N1 बराबर V2/V1, ठीक है, बराबर E2/E1, ठीक है, और I1/I2। अब ये कैसे आया है ना, आपको पूरा डेरिवेशन नहीं बताना है मुझे, सिंपल चीज़ें हैं जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती हैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो N2/N1 सिंपल सा, इसको याद रख लीजिए, सब कुछ 2-2 चल रहा है, बस करंट जो है वो अपोजिट चलता है ना, और ये सब किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको बोला जाता है ट्रांसफार्मर रेशियो, है ना। ये पूरा जो है इसमें क्या है कि क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि आपको दे दिया गया कि भाई N2 दे दिए हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसमें टर्न दिए हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न दिए, सपोज प्राइमरी वाइंडिंग ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग में 1000 टर्न है, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में 500 टर्न है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में 1000 टर्न है और सेकेंडरी वाइंडिंग में 500 टर्न है, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि भाई वोल्टेज, अब वोल्टेज भी दिया रहेगा, वोल्टेज आपको दिया हुआ है यहाँ पर 200 वोल्ट है, सपोज मान लीजिए 200 वोल्ट है, तो आपको यहाँ का V2 आपको निकालना है, तो आपको पूरा फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं, बस इतना लीजिए N2 की जगह पे क्या रखेंगे 500, ठीक है, N1 की जगह पे क्या रखेंगे, इसको 5000 कर लीजिए, 5000 N1 की जगह पे क्या रखेंगे 1000 और V2 आपको निकालना है, V2 कुछ नहीं है, V1 की जगह पे क्या रखेंगे 200, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, ये हो गया कैंसिल और ये जाएगा यहाँ पर, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि V1 कितना था 200 था और V2 कितना आ गया 1000 आ गया, सिंपल है
है ना, इससे आप लोगों को एक चीज और समझ में आएगी कि ये जो है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ये आपका है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी बताने वाला हूँ मैं कि ट्रांसफार्मर के कई टाइप होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा है 1000 टर्न थे क्या प्राइमरी में और 5000 टर्न थे क्या सेकेंडरी में, तो N1 कितना था, कम था, N2 कितना है, ज्यादा है। तो यहाँ से सिंपल से समझ में आ रहा है, दो टाइप होते हैं ट्रांसफार्मर के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यही देख लीजिए, स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, ये मेनली ट्रांसफार्मर का यही काम होता है, स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1000 टर्न है प्राइमरी में, सेकेंडरी में 5000 टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के ही हिसाब से डिसाइड होता है कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 टर्न है प्राइमरी में और सेकेंडरी में 5000 टर्न है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहाँ कम थे यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो गया स्टेप अप। अब वोल्टेज भी देख लीजिए, वोल्टेज भी सीधी सी बात है, कम वोल्टेज दिया आपने तो ये ज़्यादा में हो गया, ज़्यादा में मतलब ये देखिए 1000 निकला था, यहाँ 200 था तो 1000 हो गया, मतलब कम वोल्टेज दोगे ज़्यादा निकलेगा, तो वो कौन सा हो गया स्टेप अप। यदि आपने ज़्यादा वोल्टेज दिया और कम निकला तो वो कौन सा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो किस हिसाब से डिसाइड कर पाओगे स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न मतलब चक्र जो है कॉइल के जितने भी टर्न है उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। आगे देखते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पे से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो उसका आप लोग देख लीजिए, है ना। स्टेप अप स्टेप डाउन मैंने बता दिया हूँ आप लोगों को, ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रकार के होते हैं, जैसे कि भाई एक कोर टाइप का होता है ट्रांसफार्मर, है ना, उसकी संरचना के अनुसार, ये सेल टाइप का होता है और एक होता है बेरी प्रकार का। ठीक है, इसके अलावा कोर देख लीजिए यहीं शॉर्टकट में, जैसे ये बना हुआ है आपका, ये हो गया कोर टाइप का, है ना। यहाँ पर फ्लक्स जो है, फ्लक्स के लिए कितने पाथ मिलेंगे, एक ही पाथ मिलेगा, फ्लक्स के लिए एक पाथ मिलेगा, है ना। सेल टाइप का जो रहता है वो किस कुछ इस प्रकार से बना रहता है ना, तो इसमें कितने पाथ होते हैं, दो पाथ होते हैं। ठीक है, और एक बेरी प्रकार का, बेरी प्रकार का क्या है, कुछ इस प्रकार से रहता है, तो इसमें कई पाथ होते हैं ना, दो से अधिक पाथ। चुंबकीय फ्लक्स के लिए जो है अपन ने देखा था एक पाथ दो पाथ, और ये इसमें बेरी प्रकार में कई पाथ हो सकते हैं, है ना। इसके बाद कुछ और टाइप है, जैसे कि फेस के अनुसार भी ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, ये फाइव बना है इसका मतलब फेस, सिंगल फेस, और एक होता है थ्री फेस ट्रांसफार्मर, है ना। ये सिंगल फेस और थ्री फेस ये आपको पता होना चाहिए। और भी कई होते हैं, इंडोर ट्रांसफार्मर, आउटडोर ट्रांसफार्मर, कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, कूलिंग के अनुसार अलग अलग होते हैं, मगर मेनली जो है आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग यहाँ पर करना है आपको, है ना। इसके बाद एक ट्रांसफार्मर होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉइल होती है। ठीक है, एक ही कॉइल, एक कॉइल, एक ही वाइंडिंग। ठीक है, एक ही वाइंडिंग होती है, मतलब वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी आपने देखा था दो वाइंडिंग हो रही थी, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। अब वाइंडिंग एक है तो भाई एक से सप्लाई लेना पड़ता है और एक से आउटपुट लेना पड़ता है, तो इससे कैसे लेंगे, तो इसका जो देख रहे हो आप, ये जो है एक हिस्सा, इसका बड़ा वाला हिस्सा आपने किस तरह के यूज किया, इनपुट की तरह यूज किया, मतलब यहाँ पर क्या दोगे आप, सप्लाई दोगे। ठीक है, और इसका छोटा मतलब उसी का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा आपने आउटपुट की तरह मतलब यहाँ पर लोड कनेक्ट करोगे आप। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर, एक ही वाइंडिंग से दोनों काम हो रहा है। मगर ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसमें भी दो प्रकार होंगे, एक होगा स्टेप अप और एक होगा स्टेप डाउन। तो मैंने बताया था स्टेप अप और स्टेप डाउन किस चीज पर निर्भर करेंगे, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ही बता सकते हैं इसको कि ये कौन सा स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी में आपने इतना सही यूज किया, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं यहाँ पर, ज्यादा हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं, इतने ही यूज कर रहे थे, कैसे होगा कम होगा, तो ये कौन सा हो गया स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। डायग्राम बना जाएगा तो आप लोग उसको पहचान सकते हो, है ना। अब देखिए यदि मैं इसी में स्टेप अप कर दूं, तो स्टेप अप करने के लिए क्या करना है, ये मैंने प्राइमरी ले लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने ये आउटपुट ले लिया, तो ये क्या हो गया स्टेप अप हो गया। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, है ना। तो ये था ऑटो ट्रांसफार्मर, इस पे से भी क्वेश्चन आ जाते हैं,
कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, या फिर ये डायग्राम बना के पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और प्रकार है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है ना। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, इंस्ट्रूमेंट प्रकार के ट्रांसफार्मर दो होते हैं, एक होता है सीटी और एक होता है पीटी, है ना। दो प्रकार के होते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पूछेंगे तो आपको सीटी पीटी बोलना है, और यदि इसी पे से क्वेश्चन आ जाए कि सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी का क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। इन ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर बनाया गया है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा बनाया है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी पीटी के फुल फॉर्म आते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं वो पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रांसफार्मर होते हैं, सीटी और पीटी, आपको ये आगे चल के बहुत ही काम पड़ने वाले हैं, इनको अच्छे से देखिए, ट्रांसफार्मर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। इसके बाद आगे देखते हैं, अब मैं आ जाता हूँ कुछ मेनली जो आपने फिजिकली ट्रांसफार्मर देखा है, फिजिकली जो ट्रांसफार्मर देखा उसका डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर आपने आपके घर के आसपास भी देखा होगा कुछ इस प्रकार से ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना। यहाँ से एक पाइप निकला रहता है ऐसा, ठीक है, ये पाइप जो है इस प्रकार से बना रहता है। यहाँ पर आपने कुछ ऐसा लटका हुआ देखा है, ये है ना, इन सबके अलग अलग नाम है। यहाँ पर ऐसी पत्तियां लगी रहती हैं आजू बाजू, बहुत सारी आपने देखी होंगी, ये पत्तियां लगी रहती हैं, है ना। यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर आपकी रहती है वाइंडिंग, है इसके अंदर वाइंडिंग रहती है आपकी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर ऑयल भरा रहता है, और ये भी यहाँ पर भी ऑयल भरा रहता है, ये ऑयल जो है इससे जुड़ा रहता है। तो इनके सबके नाम है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जो है आपका, ये मेन टैंक है, मेन टैंक है। इसके अंदर क्या भरा रहेगा, ऑयल रहेगी और आपकी वाइंडिंग रहेगी, ठीक है, वाइंडिंग आपस में जुड़ी नहीं रहेंगी। ऑयल जो है वो किस प्रकार का ऑयल रहेगा, अचालक रहेगा, ठीक है, अचालक ऑयल रहेगा। ऑयल के बारे में मैं अभी बता देता हूँ आपको, ऑयल में क्या क्या चीजें रहती हैं, कौन कौन सा ऑयल प्रयोग किया जाता है। ऑयल जो है वो कौन सा रहेगा, अचालक रहेगा। एक आपका होता है मिनरल ऑयल, और एक कौन सा होता है, सिंथेटिक। दो प्रकार के ऑयल होते हैं। तो इन ऑयल की कुछ विशेषता होती है, कैसी, कि भाई अचालक, ज्यादा इसके अचालक गुण जो हो गया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों के अचालक गुण ज्यादा हो जाना चाहिए, अचालक ज्यादा, है ना। इसके बाद और क्या चीजें होनी चाहिए ऑयल के अंदर, जो इसका ज्वलन बिंदु है, ठीक है, ज्वलन बिंदु है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मतलब ऑयल जो है बहुत ज्यादा गर्म हो तो ही आग लगे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहे तो उस पर आग नहीं लगे, तो उसको बोला जाता है ज्वलन बिंदु। तो ज्वलन बिंदु भी कैसा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए उसका, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, एक होता है इसका विस्कोसिटी, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए। यदि विस्कोसिटी निम्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है ऑयल की, विस्कोसिटी यदि निम्न है तो आपका जो ऑयल है वो अच्छे से फ्लो हो पाए, है ना। अब फ्लो करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये ऑयल के इतने पॉइंट है, अब आगे आते हैं, ये फ्लो करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसके अंदर वाइंडिंग है तो इसके अंदर क्या होगा, लोड पड़ेगा। अब लोड होगा तो ये वाइंडिंग गर्म होगी, अब वाइंडिंग गर्म होगी तो उसको ठंडा भी करना पड़ेगा। अब ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑयल रखा है। ऑयल जो है दो काम होता है इसके अंदर, ऑयल का दो काम होता है, एक होता है इंसुलेशन भी करता है दोनों वाइंडिंगों के बीच में, कोई कनेक्शन नहीं हो, इंसुलेशन का काम करता है, और दूसरा क्या होता है, कूलिंग का काम भी करता है, ठीक है। इस पे से क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऑयल का क्या काम है, ऑयल का काम है इंसुलेशन का काम है और कूलिंग का काम है, दो काम है ऑयल के। इसके बाद ऑयल जो है, वाइंडिंग से क्या हुआ, ऑयल आ गया, ऑयल गर्म हो गया। अब ऑयल गर्म हुआ तो ऑयल को भी ठंडा करना पड़ेगा, तो इसके आजू बाजू ये कूलिंग विंग्स लगी रहती है, है ना, एक पंखी टाइप की लगी रहती है, पंखड़ी ऐसी, मतलब घूमती नहीं है ये, मगर इसके अंदर क्या होता है कि ऑयल चलता है, घूमता है, तो ऑयल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो आजू बाजू जो पत्तियां लगी रहती हैं वो क्या करती हैं, ऑयल को ठंडा करने का काम करती हैं। इसके बाद देखते हैं ये ऊपर क्या है, इसको बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक, इसको कंजर्वेटर नाम दिया है, नाम याद रख लेना इसका, कंजर्वेटर। ये जो है आधे से थोड़ा सा ज्यादा भरा रहता है। इसका काम क्या है,
कंजर्वेटर टैंक जो है मेन टैंक से जुड़ा रहता है। इसका काम है कि ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसके अंदर ऑयल की पूर्ति करना और जो है ऑयल को रास्ता प्रदान करना। क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल जो है वो फैलेगा भी, तो फैलेगा तो उसको ये रास्ता दे देगा। अब ऑयल जो है कई टाइम पे सुखड़ेगा भी, है ना, यदि ठंडा होगा मतलब मौसम के हिसाब से तो वो क्या सुखड़ेगा भी, तो वो क्या होगा उसको ऑयल की पूर्ति भी करता रहेगा। जैसे ऑयल कम हुआ तो उसकी पूर्ति भी करेगा और यदि ऑयल ज़्यादा हुआ तो उसको रास्ता भी देगा, नहीं तो ऑयल का बाहर गिरेगा। तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, कंजर्वेटर टैंक, ऑयल की पूर्ति करता है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें लगा हुआ है एक ब्रीदर, ये ब्रीदर जो है यहाँ लगा रहता है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है ब्रीदर। ठीक है, ये क्या काम करता है, अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई ऑयल भरा है, अब ऑयल नीचे चला गया, लेवल कम हो गया, यहाँ से मेन टैंक में लेवल पूरा करने के लिए ऑयल नीचे गया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, कोई चीज़ नहीं है तो क्या आएगी, वहाँ हवा आएगी। अब हवा जब आ गई वहाँ पर, तो हवा में क्या है, कहाँ से आएगी हवा, यहीं से आएगी, इसी रास्ते से। तो इस रास्ते से हवा आती है तो क्या होती है, हवा में कोई नमी ना चली जाए, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रीदर। ब्रीदर एक प्रकार से जैसे आप सांस लेते हो उसी प्रकार से ब्रीदर होता है, ट्रांसफार्मर के लिए सांस लेने का काम करता है। तो यहाँ से हवा जो है वो इस ब्रीदर से होते हुए अंदर जाएगी, तो ब्रीदर में क्या लगी रहती है, एक सिलिका जेली। ठीक है, सिलिका जेली पे से क्वेश्चन आते हैं कि इसका जो है कलर कैसा होता है ना, सिलिका जेली का कलर पहले होता है नीला, अच्छी कंडीशन में है तो नीला। अब कई सालों तक अगर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और ये काम कर रहा है तो इसका जो है जब खराब होने वाली कंडीशन आती है तो वो कैसा हो जाता है, हल्का गुलाबी। ठीक है, हल्का गुलाबी कब होगा, खराब वाली कंडीशन पे होगा, है ना, और नीला कब होगा, जब अच्छा होगा। तो इसको भी चेक करते रहना पड़ता है और इसको समय समय पर इसको भी बदलना पड़ता है, या फिर इसको सुखा के भी भर सकते हैं इसके अंदर। सिलिका जेली होती है, ब्रीदर हो गया। अब इसके बाद आते हैं ये क्या लगा हुआ है, इसको बोला गया है एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है, हिंदी में यही नाम लगना है, एक्सप्लोजन वेंट का क्या काम होता है, जैसे ऑयल की यहाँ पर आपका कंजर्वेटर टैंक जो है पूरा फुल भर गया, अब फुल भर गया तो ऑयल कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर का टैंक जो है उसको फाड़ भी सकता है, फट भी सकता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगाया। अब देखिए इसकी हाइट जो है एक्सप्लोजन वेंट की इससे थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है, तो ऑयल जो है आपका इस रास्ते से बाहर निकलेगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब डायरेक्टली बाहर थोड़ी जाएगा, अब डायरेक्टली अगर बाहर जाएगा तो फिर यहाँ से हवा भी अंदर आ सकती है, इसको चालक को चालक बना सकती है ऑयल को। तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, कांच लगा रहता है, जिसको बोला जाता है डायफ्राम बोला जाता है जिसको, जो क्या होता है जैसे यहाँ पर ऑयल का प्रेशर बढ़ता है, ऑयल ज़्यादा होता है तो वो ऑयल जो है इस रास्ते से यहाँ पर कांच को फोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, तो आपका ट्रांसफार्मर जो है पटने से बच जाता है, सुरक्षित हो जाता है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन वेंट था आपका। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें रहती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे यहाँ पर लगा रहता है एक रिले, है ना, रिले लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, रिले क्या करता है, रिले जो होता है वो होता है एक सेंसिंग डिवाइस होती है ना। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा रिले लगा रहता है, बकोल्स रिले। ठीक है, बकोल्स रिले उसको बोला जाता है। ये क्या होता है, बकोल्स रिले डायरेक्टली भी पूछा जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा रिले लगा होता है, ये बकोल्स रिले होता है। बकोल्स रिले क्या होता है, गैस ऑपरेटेड होता है। ठीक है, गैस ऑपरेटेड या फिर टेम्परेचर, तापमान जो है उससे भी ऑपरेट होता है, गैस ऑपरेटेड। और ये एकमात्र एक ऐसा रिले है जो कि फॉल्ट आने से पहले ही ऑपरेट हो जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर में एक बेल बजाता है, घंटी बजती है या फिर जो भी अलार्म बजा के वो बताता है कि भाई ट्रांसफार्मर के अंदर आपका फॉल्ट आने वाला है। यदि आपने उस फॉल्ट को समय रहते हुए ठीक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया है तो ये फिर आपका ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा। तो ये बकोस रिले होता है, इसका नाम बकोस रिले है, गैस ऑपरेटेड होता है या टेम्परेचर ऑपरेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका फिजिकली जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें इतनी ही चीज़ें रहती हैं, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर मीटर वगैरह लगे रहते हैं, कुछ प्रेशर मीटर वगैरह लगे रहते हैं, तो वो ज़्यादा इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको सब यहाँ पर बता दी हूँ, तो इतने पॉइंट जो है याद रखना आप, और आगे कभी आपके घर के आसपास भी लगाओ ट्रांसफार्मर तो उसको दूर से देखना, है ना, कि क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं। आगे देखते हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सबको आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, है ना, उसके बाद फिर आप जब ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यही सब चीज़ें क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं ना। इसके बाद
आगे देखते हैं कि कुछ क्षतियाँ होती हैं, कुछ लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। लॉसेस मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है क्षतियाँ, ठीक है। पहला होता है आयरन लॉस, आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस जो है आयरन क्षति, ये दो प्रकार की होती है ना, आगे देखेंगे इसमें आयरन लॉस। इसके बाद होता है आपका कॉपर लॉस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स चल रहा है, समझ लेना, है ना, क्योंकि मेहंदी जो है वो इंग्लिश में ही सब कुछ रहता है, नाम जो है अब ये कॉपर है, तांबा लॉस, ताम्र क्षति, है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है, आप लोग भी कॉपर लॉस उसको ही पढ़ें, है ना। आगे देखते हैं आयरन क्षति। आयरन क्षति जो है ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एडी धारा, एडी धारा क्षति, और एक होती है आपकी कौन सी, हिस्टेरेसिस। एक होती है एडी धारा क्षति और एक होती है हिस्टेरेसिस क्षति, दो प्रकार की क्षतियां होती हैं। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि आयरन क्षति जो है वो एडी धारा क्षति जो है वो उसके अंदर किसके अंदर आती है, आयरन क्षति में, कॉपर क्षति में। तो एडी धारा क्षति होती है और हिस्टेरेसिस क्षति होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनसे बचा कैसे जाता है, एडी धारा क्षति, ठीक है। एडी धारा क्षति जो है इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, कोर का लेमिनेशन किया जाता है ना। क्वेश्चन यही आएंगे कि एडी धारा क्षति से बचने के लिए क्या किया जाता है, कोर का लेमिनेशन। और हिस्टेरेसिस क्षति, हिस्टेरेसिस क्षति से बचने के लिए क्या किया जाएगा, जो कोर का जो मटेरियल है वो क्या होगा, हाई ग्रेड, हाई ग्रेड सिलिकॉन, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील, ठीक है, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे तो हिस्टेरेसिस क्षति से बच सकते हैं। और यदि आपको एडी धारा क्षति से बचना है तो कोर का क्या करोगे, लेमिनेशन, ठीक है। अच्छा लेमिनेशन करोगे तो एडी धारा क्षति जो है वो कम होगी, है ना। इसके बाद कॉपर लॉस, कॉपर लॉस के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर जो लॉस है वो होते हैं आपके कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस जो है इससे कैसे बचा जाता है, यदि आपका ट्रांसफार्मर पे जैसे कम लोड है तो आयरन लॉस, कॉपर लॉस जो है वो कम होंगे, जो बाइंडिंग लॉस, इसी को बाइंडिंग लॉस भी कहा जाता है ना। इनका सिर्फ क्वेश्चन आता है बाइंडिंग लॉस कौन सा है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, आई स्क्वायर आर जो है आपका कॉपर लॉस के अंतर्गत आता है और यही बाइंडिंग लॉस होता है ना। आगे देखते हैं, ये दो ही प्रकार के मेन लॉस होते हैं और इसमें से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। आगे आता है कुछ टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में, कुछ टेस्टिंग की जाती है, टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, है ना। और तीसरा एक और होता है ना, जो शायद आप लोगों की बुक में नहीं मिल पाए, है ना, ये जो टेस्ट होता है वो होता है, इसको बोला जाता है बैक टू बैक टेस्ट। इसी का और नाम है संपनर टेस्ट, ठीक है। तीसरा, इसी का एक और नाम है रीजनरेटिव टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट, है ना, रीजनरेटिव टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये तीन ही प्रकार के टेस्ट होते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट, ये टेस्ट काहे के लिए किया जाता है, आयरन लॉस निकालने के लिए, कि भाई ट्रांसफार्मर में कितने आयरन लॉस हैं, उसके लिए किया जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कॉपर लॉस निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट, एक ही प्रकार का टेस्ट है, नाम तीन है। ये टेस्ट काहे के लिए किया जाएगा, टेम्परेचर के लिए, कि टेम्परेचर राइजिंग कितना हो रहा है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब सिंपल याद रखिए, टेम्परेचर के लिए बैक टू बैक टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या होगा, कॉपर लॉस, ओपन सर्किट टेस्ट से क्या होगा, आयरन लॉस। ये तीन ही प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, है ना। ये टेस्ट आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, मतलब इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी का फॉर्मूला पूछा जाता है, इफिशियंसी बराबर, इसको ईटा से ऐसे बताते हैं, इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, इनटू 100, मशीन का कितना आउटपुट है बटे इनपुट बट इनटू 100। यदि आप इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकल जाएगी ना। इसके बाद आता है वोल्टेज रेगुलेशन, है ना, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज नियमन,
वोल्टेज नियम है, हिंदी में बोला जाता है वोल्टेज नियम है ना। इसके लिए भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्वेश्चन जो फॉर्मूले पूछे जाते हैं वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो कैसे बताएंगे, वी नो लोड NL लिखूंगा, नो लोड माइनस वी एफ एल मतलब फुल लोड बटे वी फुल लोड, ठीक है, इंटू 100। ये जो है आपका क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है ना। ये क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का नो लोड से लेके फुल लोड तक जो टेस्ट किया जाता है, जो भी आता है वो सब चीजें यहाँ पर लिखी जाती है। इसको बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेशन, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपन वी फुल लोड इंटू 100। एफ एल लिखा मतलब फुल लोड, एन एल लिखा मतलब नो लोड है ना। हाँ ठीक है, यही फॉर्मूले हैं दोनों फॉर्मूले। तो ये जो ट्रांसफार्मर पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे है ना, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो यही सब चीजें जो है ट्रांसफार्मर पे से आती है, इतना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया हूँ। तो आप लोगों से आई होप पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए और सब कुछ लिख के रखिए आप, है ना। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप आईटीआई का फर्स्ट ईयर का तैयारी कर रहे हैं, तो यही सब चीज़ें आएंगी इस चैप्टर में से। इसके बाहर कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।